नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण। भाग बे रावण की विधता संसार प्रसिद्ध है, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि उसकी इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि वह अपना हित अहित न समझ पाता। वह एक महान बुद्धिमान तथा विचारक व्यक्ति था। उसके जो कुछ सोचा और किया वह सब अपने हित के लिए ही किया, किंतु उसका परिणाम उसके सर्वनाश के रूप में सामने आया। उसका कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण उसका अहंकार ही था। अहंकार के दोष ने उसकी बुद्धि उल्टी कर दी। उसके कारण उसे अहित से हित दिखलाई देते लगा। इसी दोष के कारण उसके सोचने समझने की दिशा गलत हो गई थी और वह उसी विपरीत विचारधारा से प्रेरित होकर विनाश की ओर बढ़ना चला गया। ऐसा कौन था और कल्याण है जो अहंकार से उत्पन्न न होता हो? काम क्रोध लोभ आदि विकारों का जनक अहंकार ही हो को तो माना गया है। बात भी गलत नहीं है। अहंकारिक को अपने सिवाय और किसी को ध्यान नहीं रहता। उसकी कामनाएं अपनी सीमा से परे परे ही चला करती है। संसार का सारा भोग विलास और धन वैभव वह केवल अपने लिए ही चाहता है। अहंकार के असुर वृत्ति के कारण वह बड़ा विलासी और विषयी बना रहता है। उसकी विषय वासनाओं की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। कितना ही क्यों न भोग जाए, विषय की तृप्ति नहीं हो सकती। उसकी अतृप्ति एवं असंतोष के कारण मनुष्य के स्वभाव में क्रोध का समावेश हो जाता है। यह संसार और समाज को अपने अरोतप का हेतु समझने लगता है और बुद्धि विषय के कारण उसकी शत्रुता मान बैठता है। वैसा ही व्यवहार करने लगता है जिसके फलस्वरूप उसकी स्वयं की अशांति तो स्थायी बन ही जाती है, संसार में भी अशांति के कारण उत्पन्न करता रहता है। क्रमश जारी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।